हाँ जी बेटा, वी हैव टू स्टार्ट विद नाउ द 10th क्वेश्चन, ओके, टुडे फ्रॉम द सेम टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. लेट अस रीड फर्स्टली द क्वेश्चन नंबर 10th, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट इट. टू होल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग बेटा जो है opposite each other on either side of the road. Means there is a road and two poles of equal height. ठीक है, ये equal height पे हैं. They are standing on either side of the road which is 80 meter wide. That means this is 80 meter wide. Okay. Now what is written here? From a point between them on the road. अब उन्होंने फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, हमें नहीं पता वो मिड पॉइंट है कैसा, उन्होंने कहा कहीं कोई पॉइंट है, वी आर नॉट अवेयर कि वेदर दिस इज अ मिड पॉइंट क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया. ओके, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30 degrees. अब उन्होंने कहा है कि पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 degrees और 30 degrees. ओके बेटा, नाउ व्हाट दे हैव रिटन हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. अब उन्होंने कहा है इसको हाइट निकालनी दोनों पोल्स की, वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम हाइट है तो एच एच होगा, और यहाँ पर कितना पॉइंट जो है यहाँ पर कि ये कितने डिस्टेंस पे जो है ये पॉइंट है ये बताना, दोनों पोल्स हमने ये कैलकुलेट करना है. आई मीन मैं इसको अगर एक्स मान लू दिस पोल फ्रॉम द फर्स्ट पोल, ऑब्वियसली ये पूरी 80 है तो दिस इज 80 माइनस एक्स, मुझे ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल करते हैं ए बी सी डी ई, वी कैन लेबल. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ, मेरे पास जो है हाइट ऑफ पोल जो है दैट इज इक्वल टू एच मीटर. ओके, अब इन ट्रायंगल ई डी सी मेरे पास जो है, ठीक है, ई डी ओवर सी डी परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन 60 डिग्री, और टेन 60 की वैल्यू मेरे पास, और ये एच हो गया और ये 80 माइनस एक्स हो गया. ओके, मैं इसको क्या कर दू, मार्क कर दू, क्योंकि ना मुझे एच पता ना मुझे एक्स पता, मैं क्या करूं, आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रायंगल. ओके, अब इन ट्रायंगल आई जस्ट मेंशन हियर ए बी सी, ओके, एच ओवर एक्स that is tan 30 degree. Okay, अब tan 30 की वैल्यू यू नो इट, 1/√3. ओके, जिसकी मर्जी वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो या h की निकालो, है ना, आई विल कैलकुलेट x, x इज √3h, आई मार्क दिस इक्वेशन एज 2, पुट द वैल्यू ऑफ x जो है इन इक्वेशन 1, जब आप पुट करोगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन वन इंप्लाइज मेरे पास हो गए एच इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स. अब आप पुट करो क्योंकि हमने निकालना तो वैल्यूज दोनों का ही है, √3 80 माइनस √3 एच. ओके बेटा, आप ये भी कर सकते हो √3 नीचे लेके रैशनलाइज कर दो, आप ओपन भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, 80 √3 माइनस 3 एच, इसको इधर ले आएंगे तो 4h इज इक्वल टू 80 √3, और बेटा h की वैल्यू मेरे पास जो है 20 √3 meter. ओके, लेट मी शो यू, वेट, ओके, नाउ अब मेरे पास h2 आ गई, h मेरे पास हो कितनी कैलकुलेट हुई, दैट इज 20 √3, दैट इज द हाइट, मैंने वही कैलकुलेट की. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट एक्स. अब क्या करें, उस इक्वेशन में एच पुट कर दे, पुटिंग इन इक्वेशन टू
जब मैंने इक्वेशन टू में पुट किया तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू 20√3, तो आंसर विल बी 20 × 3 दैट इज 16। मैंने तो ये एक्स फर्स्ट पोल, मैं ऐसे फर्स्ट पोल सेकंड पोल मैं लेबल भी कर सकती हूँ, मुझे दोनों का बताना है। यहां से बच्चे नंबर कटवाते सेकंड वाले का निकालना ही भूल जाते, तो आप क्या कहोगे, वो 80 − 60 है ना, क्योंकि 60 कैलकुलेट किया ना, देयरफॉर आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम जो है बोथ पोल्स, अब दोनों पोल्स का बताना है, दैट इज इक्वल टू, एक 60 मीटर है दूसरा 80 − 60 दैट इज 20 मीटर। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ रही बेटा सबको? हाँ जी बेटा, सबको बात समझ आई? जसलीन, हरलीन, मैं, ओके, मनमीत, जिया धवन, नव्या, परीना, चलिए दैट्स गुड। नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 11, लेट अस रीड इट। है ना, आप जब खुद फिगर बनाने की ट्राई करोगे ना तो बेटा देखना कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें हमारे पास क्या, व्हाट दे आर राइटिंग इन क्वेश्चन नंबर 11, टीवी टार जो है स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। मेरे पास एक टीवी टार है ना, लेट अस फॉर्म दिस फिगर, दिस इज अ टार, ओके, टीवी टावर, और जो कि बैंक ऑफ द कैनाल पे बना हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर जो है, उसने कहा जो ये बैंक है ना इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे, ओके, कैनाल की ये जो है वृत्त है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने कहा कि जहाँ टावर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने कहा है ऑपोजिट टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगर मैं टावर के टॉप को देखूं तो वो एंगल मेरे पास 60 डिग्री। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट जो है मेरे पास जो है, फ्रॉम अ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जरा इस लाइन को अब अंडरलाइन कर लो, क्यों? अब वो कहते हैं कि अगर मैं 20 मीटर अवे जाऊं, उसने ये नहीं कहा कि टूवर्ड्स द टावर जाऊं, अगर वो टूवर्ड्स कहता तो मैं इधर जाती हूं, उसने कहा अवे फ्रॉम द, यानी मैं यहां पर जाऊंगी, और मुझे कैसे पता चला कि मुझे इधर ही जाना है, क्योंकि एंगल कम हो गया। मैंने आगे भी जब ये चैप्टर आपको करवाया था फर्स्ट टर्म में, तो मैंने ये बात बताई थी, स्ट्रेट जो भी चीज है जितना पॉइंट उसके पास होगा एंगल उतना बड़ा जाएगा, जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा हो जाता है, तो 60 की बजाय 30 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियस है बेटा जब 30 डिग्री हुआ तो एंगल कम हो गया, तो मुझे दूर ही जाना पड़ा। ओके, ये मेरे पास 90 डिग्री ऑब्वियस है। तो अब उन्होंने क्या कहा है बेटा, सी द फिगर, उन्होंने फिगर दी भी हुई है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एग्जाम दे विल गिव यू द फिगर। नाउ व्हाट दे हैव मेंशनड हियर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मुझे हाइट भी कैलकुलेट करनी है, ओके, और मुझे विड्थ भी कैलकुलेट। जब भी दो एंगल्स होंगे ना तो दो ट्राइंगल्स यूज होती है, मैंने आगे भी आपको ये बात कहा, सबसे पहले तो हम लेबल करते हैं ए बी सी, ये ओके, फिर हमने लेट क्या किया, हाइट लेट की है और कैनाल की विड्थ को एक्स लेट किया मीटर्स, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, लेट द हाइट बेटा मेरे पास जो है ऑफ टार दैट इज इक्वल टू एच मीटर, एंड मेरे पास जो है बेटा देन द विड्थ जो है
ऑफ कैनाल जो है दैट इज एक्स मीटर एज शोन इन द फिगर. मैंने फिगर में बताया, लिखा जरूर करो दिस इज कैनाल, ताकि हमें सारा कुछ फिगर में क्लियर हो. ओके, अब स्टार्ट करें. कौन सी ट्रायंगल हम ले सकते हैं सबसे पहले, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, हु विल टेक ट्रायंगल, वी विल टेक फर्स्ट सो दैट आवर क्वेश्चन विल बी सॉल्व. ओके रियान, वेरी गुड, वेरी गुड. यस रियान. आंटी बेटा एबीसी. ओके वेरी गुड. अगर हम एबीसी लेते हैं बेटा तो बताइए रियान आगे हम कैसे करेंगे बेटा? ए बी और बी सी इज इक्वल टू पी बाय बी होगा 10 60. वेरी गुड, दैट इज 10 60 बिकॉज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस वो मेरे पास 10 60 आया. ए बी मेरे पास एच आया, बी सी मेरे पास एक्स आया और 10 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है. तो आई कैन यूज हियर एच इज इक्वल टू एक्स इनटू रूट थ्री. मार्क दिस इक्वेशन. Which other triangle we will take, Riya? ABD. ABD. बिल्कुल करेक्ट है. मेरे पास जो है अदर ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल ABD मेरे पास जो है H over BD that is tan 30 degree. Tan 30 की वैल्यू 1/√3 H आया और BD अब यहाँ पर ध्यान दें. हाँ जी बीडी कितना होगा रियान? रियान बीडी कितना होगा हमारे पास? बीडी 20 है तो चाहत ऑन योर वीडियो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. मुझे ये फेक आईडी लग रही है. यू कैन ऑन द वीडियो एंड शो मी योर फेस ओनली देन आई विल अनम्यूट यू. चलिए रियान को नहीं पता, तान्या यस बेटा बताइए. प्लस कर देंगे मैम दोनों को. हां जी बिल्कुल प्लस कर देंगे. बिल्कुल रियान बिल्कुल करेक्ट बोला. हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे और जो है तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस मेरे पास जो है 20. ओके तो हम यहाँ पर एक्स प्लस 20 लेंगे. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो है रूट थ्री एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. ओके बेटा अब मेरे पास एच की वैल्यू दी हुई है एक्स रूट थ्री. ओके तो मैं क्या करूं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं. जब मैंने पुट किया तो बेटा देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पुट किया तो आई विल री राइट दिस एज रूट थ्री इंटू एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. तो ये बन गया 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20. 2x इज इक्वल टू 20 तो x की वैल्यू मेरे पास 10 मीटर आ गई. ओके यानी कैनाल की विड्थ मेरे पास जो है ना दैट कम्स आउट टू बी 10. अब मुझे हाइट निकालनी है तो मेरे पास जो है h यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन x इंटू रूट थ्री तो मेरे पास जो है 10 इंटू रूट थ्री तो 10 रूट थ्री मीटर. नॉर्मली मैं आपको बता दूं बेटा क्योंकि हम हाइट रूट में ऐसे नहीं छोड़ते तो चाहे रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी बट आपको पता है ना तो आप क्या कीजिए बेटा 10 इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेटली लिख के बेटा तो 17.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट लाइक दिस. ओके ये मेरा मानना है कि जब भी ऐसे हाइट वेट ऐसी चीजें हो क्योंकि हम उसको इरेशनल नंबर में क्यों छोड़े तो बेटर टू टेल द अप्रोक्सीमेट वेट हाइट जो भी आपको कहा था. ओके बेटे क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर बेटा? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चले आगे. दैट्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12. चलिए अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 12. अब मैं करवाने लगी हूं.
अब क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम रीड करते हैं. व्हाट इज रिटन हियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. एक हमारे पास जो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है मैंने बना ली, जैसे वो जो कहता है ना मैं पहले वैसे ही बनाना चाहती. अब उसने कहा फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब यहां से. ओके, नाउ व्हाट दे हैव रिटन कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर. अब ऑब्वियस है बेटा कि हम इसको जो है नीचे से ऊपर देखेंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, है ना, नीचे से ऊपर. इसका मतलब केबल टावर जो है वो क्या है, वो बड़ा. ओके जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अब एलिवेशन का एंगल मैंने आगे भी बोला था, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल में, मतलब ये 60 डिग्री यहां बना जाता. ओके, नाउ व्हाट दे हैव मेंशन नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. अब डिप्रेशन है मतलब यू आर अप एंड यू आर वॉचिंग द डाउन थिंग, है ना. तो ऐसे देखोगे ना ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये हॉरिजॉन्टल. अब आपको पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल इधर होगा, तो ये भी 45 बन जाएगा. ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी बनाना है, यहां पर भी बनाना है. ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर. हमने हाइट कैलकुलेट कर. अब देखिए पता कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले को एच ले लेते हैं और फिर वो बाद में भूल जाते हैं हाइट तो पूरी है ना इसके टावर की. अब अगर ये बिल्डिंग मेरे पास 7 मीटर है बेटा, तो ये भी 7 मीटर होगा ना 100%. मैं हाइट को पूरा एच ही लूंगी, नहीं तो गलती हो जाती, 7+ करना भूल जाते अगर एच ऊपर ले लेते, तो बेटर टू टेक कंप्लीट एज एच. अब अगर ये पूरी एच है क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल में डील करना है, तो एच में से मैं ये 7 माइनस कर दू तो ये अपने आप ऊपर वाले ट्रायंगल में H-7. बात सबको समझ आ गई बेटा, क्लियर टू एवरीवन कि मैंने ऐसा क्यों किया. अगर कोई बच्चा ऊपर वाले को H लेता तो उसकी हाइट क्या होती, H+7, doesn't matter. ओके, मुझे पता है दो ट्रायंगल है, दो कॉन्सेप्ट यूज होने ही होने, मेरी ये भी विड्थ यूज होनी है, तो मैं इसको X ले लेती. इफ दिस इज X, This is also X. ये तो आप फिगर में ही आपको पता चलता है ना, क्योंकि वो नीचे रेक्टेंगल बने. ओके, अब हमने इसको लेबल A, B, C, D, E. ओके जी, क्लियर. तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, उसे X निकल आया, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में X मुझे पता है H निकल आया, यही मेरा काम है, मेरे तो अच्छी भी काम है. तो लेट अस सी पहले हम क्या करें. अच्छा, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट एवर वी लेट वी मेंशन इन द फिगर, कि हमने जो भी लेट किया हमने फिगर में मेंशन कर दिया. आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने अलग अलग नहीं लिखना है. ओके, अब मैंने बता दिया आपको, आप खुद लेट कर लो. नाउ वी विल स्टार्ट विद इन ट्रायंगल, मेरे पास जो है ई डी सी. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो खुद देखो आपको पता ही चल रहा है. तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पी बाय बी मेरे पास ई डी ओवर डी सी, दैट इज टेन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 45. अब ई डी 7 है, डी सी एक्स है, 10 45 1, तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू 7 मीटर आ गई बेटा. ओके, अब कौन सी ट्रायंगल ले हम, मैंने आपको बताया कि हमने अपर लेनी है इन ट्रायंगल ए बी ई. ओके, अगेन ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगे ना मेरे पास, तो मेरे पास होगे ए बी बाय बी ई, दैट इज टेन 60.
डिग्री, ओके। और ए बी मेरे पास एच माइनस सेवन है और बी ई मेरे पास एक्स है और एक्स मैंने कैलकुलेट किया सेवन है और टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास जो है सेवन रूट थ्री, तो एक्स इज सेवन रूट थ्री प्लस सेवन, सेवन कॉमन रूट थ्री प्लस वन मीटर्स। बात क्लियर हुई? अब रूट थ्री की वैल्यू पुट करो, 1.732 प्लस वन करोगे तो 2. समथिंग उसको सेवन से मल्टीप्लाई करोगे, ओके क्लियर। अगर कैलकुलेशंस का टाइम है तो आगे करो, नहीं है तो लीव द आंसर, के मार्क्स नहीं देते। हाँ लेकिन अगर उन्होंने मेंशन किया है गिव द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको करना ही कर पड़ता पड़ेगा, ओके क्लियर। समझ आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? एनी डाउट टू एनी बात, एनी डाउट पक्का? चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओके क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज रिटन लेट अस रीड, अब कौन रीड करेगा और कौन मुझे बताएगा कि मैम इसकी फिगर ऐसे बन सकती है? अरे यार उन्हीं तानिया क्लास में बाकी नहीं कोई पढ़ता? रायना, वेरी गुड रायना, यस रायना, यस बेटा। पहले 75 मीटर की लाइन लगाएंगे, बनाएंगे, ओके। अपन स्टेटमेंट पढ़िए रायना, फिर ही हम आगे डिस्कस करेंगे ना। रीड द स्टेटमेंट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द, as observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression, फिर 30 और 45 degree का नीचे angle बनाएंगे, angle of depression, okay जी। फिर आगे statement complete बेटा, पहले ये discuss करेंगे If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हाँ जी, अब बताइए बेटा कि क्या दिया हुआ हम? As observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level. अब क्या दिया रहा है मुझे बताइए? ओके, एक टावर या एक मेरे पास जो है लाइट हाउस 75 मीटर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस, क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं हमारे पास है ना 45 डिग्री का एंगल दिया, नीचे एंगल डिप्रेशन। ऑब्जर्व हम क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम? दो शिप्स को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दो शिप्स को देख रहे हैं जो कि वन एक दूसरे के बिहाइंड, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे के, और उन्होंने कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 और 45 डिग्री का है। दैट मींस आप यहाँ पर देखिए, हमने डिप्रेशन का एंगल है मतलब हम ऊपर हैं, हमने देखना नीचे है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कहाँ 35 ले कहाँ 45, 30 ले कहाँ 45 ले। मैंने आगे भी आपको बताया था जो स्ट्रेट लाइन के पास जो ट्रायंगल होती है उसमें एंगल बड़ा होता है, ये 45 ये 30। तो यहाँ पर भी देखिए इस लाइन के साथ यानी ये 30 होगा और ये एंगल 45 होगा, ये एंगल मेंशन करने ऊपर बहुत जरूरी है, मतलब डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। रायना ने हमें बिल्कुल यहाँ पर ये एंगल बता दिए कि ऐसे हमने ये लेने हैं। अब उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, अब वन शिप यहाँ है अदर शिप यहाँ है, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट, ओके मैं इसको एक्स ले लेती हूँ, बट ये भी तो एक छोटी ट्रायंगल में यूज होगा तो मैं इसको वाई मीटर नहीं लेती, ओके क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि लेट जो डिस्टेंस है इसको हम लेबल कर लें ए बी सी डी, मेरे पास है मैंने लेबल कर लिया। अब सबसे पहले
आप ये ट्रायंगल लीजिए, इसमें से y निकाल लो, जब बड़ी ट्रायंगल लोगे उसमें x प्लस वाई होगा, वाई पुट करोगे तो x अपने आप कैंसिल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी 75 ओवर y, दैट इज tan 45 डिग्री, ओके। वेट वेट हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव सीन है कि 75 बाय बी इज 1045, और आपको पता है 1045 वन होता है, तो दैट मींस वाई की वैल्यू 75 आ रही है, ओके। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ए डी, जो मैंने लिया तो मेरे पास जो है यहाँ पर 75 ओवर एक्स प्लस वाई, दैट इज tan, मेरे पास जो है 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3, 75 ओवर x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई 75 रूट 3 x प्लस वाई, और मेरे पास 75 रूट 3 x की वैल्यू मेरे पास जो है मैंने कैलकुलेट करनी है, y इज 75 और x इज 75 रूट 3 माइनस 75, 75 रूट 3 माइनस 1, दिस इज माय आंसर, ओके। मीटर्स में होगा क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कंप्लीट बेटा, ओके। अब हमारे जो है 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वी विल डिस्कस इट टुमारो, ओके। जो है मैं बार बार आपको कह रही हूँ इस चैप्टर के बाद हम साथ ही इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो बी रेडी और इसी का टेस्ट लेंगे, ओके।